केरल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज शर्म से सर झुका हुआ है, उन्नाव का निर्भयकांड हमारा नहीं आप सभी का, पूरे देश का सर झुका के बैठा हुआ है। एक बाहुबली नेता दबंग विधायक अपनी ही बेटी की तरह नाबालिग लड़की से बलात्कार करता है, दबंगी दिखाता है और उसकी पार्टी उसे गले से लगाए रखती है। हाय हमारा विधायक, अति तब हो जाती है, वह उसके पिता को झूठे केस में जेल में डरवा देता है। जेल में पिता की मौत हो जाती है, तब भी उसकी पार्टी उसे गले से लगाए रखती है। हाय हमारा विधायक, शर्म आती है हम सबको ऐसी बातों पर। और जब पुलिस उसकी सहायता के लिए उसकी सुरक्षा लगी होती है, वह उसको हटवा दी जाती है और एक बेताशा तड़ ट्रक द्वारा उसकी गाड़ी पर टक्कर मार दी जाती है। मौके पर दो रिश्तेदारों की मौत हो जाती है और आज पीड़िता वेंटिलेटर पर मौत से जूझ रही है। अपने को बचाने की वकील की हेल्प ली है। अब जाके उस पार्टी होश आए, प्रशासन खड़ा हो, सर्वोच्च अदालत अपने ऊपर जज्बा उठाती है, बात को आगे लेकर आती है। वहां तो सर्वोच्च अदालत उठकर आ गई। आज जैन धर्म की हालत भी यही हो रही है। हमारे मुनि पद से बलात्कार हो रहा है, जैन धर्म से बलात्कार हो रहा है, जैन संस्कृति से बलात्कार हो रहा है, लेकिन सुप्रीम अदालत यहां पर कोई नहीं है। बंगले झांक रहे हैं पर कोई आवाज देने को उस घटना के बाद भी सर्वोच्च अदालत के रूप में आगे नहीं आ रहा है। वहां पर ऐसी हालत हुई, यहां भी आज इस तरीके से अगर कोई सर्वोच्च अदालत आगे नहीं आती है तो हमारे इस जैन धर्म के चतुर्विध संघ के रथ कोई भी आके टक्कर मार के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, बिगड़ जाएंगे हम लोग अस्तित्व। जैसे हमारा मुगल काल के समय हुआ था, वैसे ही अस्तित्व हमारा फिर बिटने लगेगा। बचाना होगा अगर सर्वोच्च अदालत के रूप में कोई आगे आता है। आज हम यही कहानी आपके साथ में लेके आए हैं। उठो और आवाज उठाओ आप लोग, नहीं तो क्या होगा यह कल नहीं बता सकते हम। आज की हकीकत आपके सामने इसके साथ दिखाते हैं। आज आपको आगम के पन्ने खोलकर कुछ दिखाते हैं, क्योंकि श्रावकाचार के स्थितिकरण उपवहन शब्दों और मुनि निंदा, जैन धर्म की बदनामी, नरक बंद जैसे रटे हुए शब्द तो आप बहुत दोहराते हैं, पर आगम कुछ और भी कहता है। आज उसमें से केवल 3 सूत्र आपको दिखाते हैं। अगर पूरी गाथा दिखाने लगे, पूरे सूत्र दिखाने लगे, तो कहूंगा आपके जमीन पैरों के नीचे से निकल जाएगी। यह है मूलाचार प्रदीप के सूत्र 93, जिसमें लिखा है, भगवान जिनेंद्र देव के आगम से जाना जाता है कि इस संसार में स्त्रियों का संसर्ग मात्र करने से अनेक योगी नष्ट हो गए हैं और कितने ही योगी नरक में पहुंचे हैं। मूलाचार प्रदीप की दूसरी गाथा 97 यह कहती है, जो प्रामणी ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाता है उसका अपमान मुनि व अन्य सज्जन सर्वत्र करते हैं, तथा वह प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में दुख पाता है। मूलाचार के भाग 1 के सूत्र की गाथा 179 देखते हैं तो जिसमें लिखा है, तरुण मुनि तरुणी के साथ यदि कथा या वचनालाप करे, यानी सिर्फ यहां तक की बात हो रही है अभी, तो उस मुनि ने आज्ञा कोप आदि 5 ही दोष किए ऐसा समझना चाहिए। ऐसी कई गाथाएं हैं मूलाचार प्रदीप भगवती आराधना और मूलाचार के अंदर जो कहती हैं ऐसे मुनि योग्य ही नहीं होते जो मूल गण को नहीं अपनाते, और आप कहते हैं मुनि निंदा करते हैं। 3 कथित महाराज रंगे हाथों पकड़े गए समाज के सामने या कैमरे में, जिनके चित्र आप यहां देख रहे हैं। किए गए इनके कुकृत्य को कोई झुठला नहीं सकता। पहले के कमरे में लड़की के आते जाते, फिर कथित महाराज के उसके कमरे में रात भर रहने के चित्र 1 बार नहीं 2 बार CCTV कैमरे में पकड़े गए। दूसरे के को गलत देकर रगे हाथों खोलकर समाज ने पकड़ा, कपड़े पहनाकर रवाना कर दिया, पर उन्होंने ही अपने कपड़े वहां से 1500 किलोमीटर जाकर खुद उतारने में चंद मिनट की देर नहीं लगाई, और आज भक्त उनके चरण पगारते नहीं भूलते। तीसरे को समाज ने उनके कुंडी लगे कमरे के भीतर पकड़ा तो महिला छिपी हुई चटाई के नीचे मिली। विश्व में एकमात्र ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठतम जैन धर्म पर इन्हें 3 ने जो कालिक पोती है, इसका कामियाज आज पूरे 44.5 लाख महावीर के लाल भुगत रहे हैं, और आत्मग्लानी इनमें जरा सी भी नहीं हो रही। जो अपनी गलती स्वीकारते तो स्थितिकरण उपघन की हम बात भी करते। इनको कड़ा प्रायश्चित के लिए समाज इनके गुरुओं के पास भी गया। हम भी पहले गुरु के पास गए तो जब उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार आप भी सुन लीजिए। आप पहले ये सिद्ध करके दिखाइए, उस लड़की को लेकर के आइए, जहाँ ये कांड हुआ है, जैसा हुआ है, जैसा हुआ है, जैसा गया है, आप उस लड़की से एक बार ये कहवा दीजिए कि इस दक्ष ने मेरे को हाथ लगाया
किसने मेरे साथ बलात्कार किया। कोई भी लड़की, वो लड़की की चर्चा करी, वो लड़की कोई भी ये कहने कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या मेरे साथ दर्द हुआ है और उसको ध्यान में आइए, वो लड़की मेरे सामने बोलने काम बना जिन्होंने ऐसा किया है तो हम उस पर विचार करेंगे। शर्म आती है 50 वर्ष की दीक्षा वाले महाराज के मुख से आचार्य पद पर रहते ऐसे शब्द जब निकलते हैं। ये पूरी वीडियो वह पूरे ध्यान से देखने के बाद निर्णय देते हैं। ये वीडियो हमने स्वयं उन्हें दिखाई थी, पर हकीकत पर पर्दा डालने के लिए, कुकृत्य को बचाने के लिए वे जरा भी देर नहीं लगाते। अब दूसरे आचार्य के पास जब समाज गया तो उन्होंने क्या कहा कि कोई गलत करते फोटो लाते तब हम मानते, यह कहने के हैं शब्द हमारे आचार्यों के। और तीसरे महाराज को तो हम कलकत्ता में 2 पत्र लिख चुके हैं, पर इसके बाद भी वो मौन हैं। जैन समाज की स्थिति आज अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसी हो गई है, और आप लोग कहते हैं कि हम भी आपकी तरह मुंह बंद कर लें जैसे आपने बंद कर रखा है। आपको ही क्या पड़ी है कहने वाले आज कल हमसे यह भी बोलने लगेंगे, जब 90% जैन लोग महाराज के आर विहार में आगे नहीं आते तो बाकी 10% को क्या पड़ी है। जुबान चलाना तो सभी को आता है, पर गलत पर आवाज़ उठाने वाले के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि गाली देने वाले और धमकी देने वालों का निशाना भी तो बनना पड़ता है। इतनी हिम्मत के लिए कोई भी हमारे साथ आए हमें खुशी होगी। हमने 2 पत्र लिखे, विद्वान डॉक्टर श्रेयांश जी व वरिष्ठ पत्रकार सी.एल. बगड़ा जी भी वहाँ आचार्य विराग सागर जी से जब मिले तो विराग सागर जी महाराज क्या कहते हैं, वह तो सिर्फ इतना बोलते हैं हमने तो नाता तोड़ लिया है और जब वह प्रायश्चित मांगेगा तो हम दे भी देंगे। पर शर्म की बात तो यह है कि इन तीनों में से कोई भी अपनी गलती को नहीं स्वीकार रहा। प्रायश्चित तो बहुत दूर की बात है, जागी अगर महावीर के लाल कहलाना ही चाहते हो तो आवाज़ जरूर उठाइए। गलती से इज्जत उतरती है बताने से नहीं। हमारे कान पकड़ने धमकी देने वाले, जरा उनकी गलती पर भी तो आवाज़ उठाने की हिम्मत करो जो कुकृत्य होने के बाद भी वंदनीय पदों पर बैठकर परमेष्ठी पद को गंदा कर रहे हैं। हमें इन बातों कहते हुए शर्म आती है। चौराहे का एक दृश्य आपने सामने लिया है जहाँ पे ट्रैफिक लाइटें खराब है, कैसे अनुशासनहीन होकर हम आगे बढ़ते हैं, चौराहे पर चारों तरफ दौड़ते रहते हैं, हम भी और आप भी, इसमें कोई अलग नहीं होता है। ट्रैफिक लाइटें एक बार फिर जलने लगती हैं और फिर सीमा पर हम रुकने लगते हैं, लेकिन 1-2 बदमाशी करते हैं वह सीमाएं लांघते हैं और हम ट्रैफिक लाइट के रूप में खड़े रहे देखते रह जाते हैं, आवाज उठाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं, मौन हो जाते हैं, लेकिन वह बदमाशी करते रहते हैं। अगर उस ट्रैफिक लाइट के साथ वहां पर 2 चौकस ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हो जाएं तो क्या मजा कोई सीमा से पार कर जाए, और जब वो तुरंत भारी जुर्माना भारी दंड दे उस समय तो हिम्मत नहीं होगी कि हम उस सीमा को पार कर सके। आज जैन समाज के रूप में हम उस ट्रैफिक लाइट का काम तो कर सकते हैं, लेकिन जैन साधुओं को, जैन विद्वजनों को, उस विद्वानों को आगे आना हुआ ट्रैफिक पुलिसमैन बनता है। हम 1-2 नहीं कईयों को रोक तो सकते हैं, लेकिन जो आगे जाते हैं उनको भारी दंड देकर उनकी मौजूदगी में फिर वे हदें पार नहीं होंगी, इतना हम विश्वास से कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। कि पर आज अफसोस तो इस बात का होता है, कोई ट्रैफिक पुलिसमैन के रूप में साधु आगे नहीं आना चाहते, ना कोई विद्वत चलाना चाहते हैं, सब अपने अपने कमरों में बंद होना चाहते हैं। आज हकीकत ठीक हो रही है। अगर हम सीमाएं लांघें तो एक बात और कहें आपसे, मत बनाइए अभी बड़े बड़े मंदिर, कोई जरूरत नहीं है। पहले छोटे से 44 लाख के समाज को 1 तो करने की बात कर लीजिए। मत दीजिए बड़े बड़े प्रवचन जैसे आप देते हैं, सुधार की बात करते हैं, जब तक आपको सुधारने की क्षमता नहीं है, जो गलत कर रहा है उसको बोलने की ताकत नहीं आती है, तब तक प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं है। मत करवाइए पंडित लोग, विद्वान लोग स्वाध्याय के, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करने के बाद भी अगर आगम की बात के रूप में सही नहीं बोल पाते हैं तो हमें शर्म आती है ऐसे आगम को कहने की बात आपके लिए। गलती पर गलत कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते हैं, सही को सही कहने में क्यों नहीं सकते हैं। जब गलत हो रहा है तो आंखें मत बंद कीजिए, गूंगे बहरे बंद कर रहने से कोई फायदा नहीं है। जो आज 95% समाज हमारा चूड़ियां पहन कर जैसे बैठा हुआ है, नहीं बोलना चाहता है कुछ, ऐसे गूंगे बहरे बैठे रहे तो जैन संस्कृति मुगल कालीन शासन की तरह कब लुट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आगम के अंदर 12वां अंग भी हमारे पास आज नहीं रहा है, क्या बचेगा हमारे पास अगर हम इस तरह से शिष्टाचार को बढ़ावा देते रहेंगे। और आप सभी से एक बात भी कह दो, अगर आप में भी हिम्मत है, साथ देने की बात है, शक्ति है, सच बोलने की ताकत है, गलत को सहने की क्षमता नहीं रखते हैं, डर से नहीं दबते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए इस मुहिम के अंदर। कुछ गलत दिखता है तो हमारे साथ जानकारी दीजिए, हमसे शेयर कीजिए, जुड़िए हमारे साथ 9910690823।
99106-90823 जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, हमें जानकारी भेजिए, हमारे साथ जुड़िए। कोई भी गलत दिखता है तो आप आवाज़ उठाइए, ऐसी गलत बात को स्वीकारिए मत। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। आपके साथ सादर जय जिनेंद्र।